अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा कि आज की एपिसोड तो आप लोगों ने देखी होगी। अगले एपिसोड में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। अगले एपिसोड में आप देखेंगे सना जॉब को हासिल करने के लिए दर बदर के ठुकरे खाती है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। एक दिन वहीद की नज़र उस पर पड़ जाती है। वहीद उसकी कंडीशन देख कर समझ जाता है कि ये किसी नौकरी की तलाश में है। सना बाहर की सख्तियां झेल कर जब घर आती है तो उसकी वालदा कहती है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम मरियम की वजह से। दर बदर के ठोकरे खाकर जब सना को एहसास होता है कि नौकरी हासिल करना और इसे निभाना इतना आसान काम नहीं है, वह वहीद के पास जाती है और आंसू बहाकर कहती है, मैं अपने भाई की पीछे लगकर तुम जैसे इंसान पर शक करती रही, नफरत हो गई है मुझे अपने भाई से। सना अपना सब कुछ किया कराया अपने भाई पर डालती है वहीद को दोबारा हासिल करने के लिए, लेकिन वहीद सना का नेचर अच्छी तरीके से जान चुका है। वह अपने सामने सना का ये ड्रामाबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह अपने घर से सना को धक्के निकाल कर बाहर निकालती है। इसके बाद आप देखेंगे कि वही सना की सारी ड्रामाबाजी देखकर मरियम को कॉल करता है और कहता है कि सना की तरह अहमद भी आपको अपनी बातों में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना। जिसके जवाब में मरियम कहती है, मैं उसके साथ कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती हूँ। तो दूसरी तरफ अहमद चोरी की पैसे से मोबाइल खरीद चुका है। वह अपनी वालदा से कॉल पे बात करता है, मरियम है इस सब की जिम्मेदार जिसकी वजह से मेरे बेटे को ये सब कुछ देखना पड़ा। जवाब में अहमद कहता है, उसका तो नाम ना ले मेरे सामने, अगर वो मेरे सामने आई तो उसे जला के राख कर दूंगा। तो इसके बाद आप देखेंगे अपान मरियम की बहुत मदद करता है, इतना कि वह नौकरी तलाश करके भी देता है और मोबाइल फोन भी गिफ्ट करता है। तो उधर एक दिन रास्ते में अहमद से कुछ लुटेरे पिस्टोल के दम पे अहमद से चोरी का पैसा ही लूटते हैं और वह फिर से खाली हाथ रह जाता है, इतना तक कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वह एक खैराती कैब में फकीरों के साथ खाना खाता है। जी दोस्तों, इस प्रोम में इस तरह की सीन नहीं दिखाई गई है जिसमें ये वाजी हो कि अहमद की मौत हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अफान मरियम के करीब हो रहा है, वो उसे फूलों का तोहफा पेश कर रहा है, लेकिन ये सारी बातें अफान की अम्मी को अच्छी नहीं लगती। जवाब में अफान कहता है, उसे मेरी जरूरत है अम्मी। तो वह कहती है, मैं मरियम का जितना साथ देना था दे दिया, अब दूर रहो उसे। ना चाहते हुए भी परिया से ज्यादा मरियम का ख्याल रखते हो, शायद आज भी आपके दिल में उसके लिए चाहत मौजूद है जो मुझे सही नहीं लग रही। इन दोनों की गुफ्तगू फरा सुनती है और जानकर हैरान रह जाती है। वह अफान के पीछे जाने ही लगती है जो पाव के फिसलने के सबब वह गिरती है। जी दोस्तों, क्योंकि फरा उम्मीद से है और इस तरह इसका गिरना इसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। जी दोस्तों, आपको ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा का ये प्रोमो कैसा लगा हमसे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।